शहर के प्रेमनगर इलाके में एक अवैध प्लास्टिक कारखाना है। कारखाने से निकलने वाले धुएं की वजह से नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा खुद परिसर के रहवासियों का कहना है। वह इस बारे में मनपा स्वास्थ्य विभाग और इलाके के पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी वह इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते नागरिकों की समस्याएं उसमें भी खास तौर पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इजाफा हो चुका है। तो ये संपूर्ण माजरा क्या है, आइए देखते हैं। प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं से तो हम पहले से ही अवगत है, उसमें भी अगर हम बात करें प्लास्टिक फैक्ट्री की, तो उससे निकलने वाले धुएं से तो समस्या में और दोगुना इजाफा हो जाता है। ऐसी ही कुछ परेशानियों से फिलहाल शहर के प्रेमनगर इलाके के नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। नागरिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अवैध प्लास्टिक पिघलाने वाले कारखाने का निर्माण किया गया है, जहाँ प्लास्टिक को जलाकर पिघलाया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कारखाने से धुआं और बदबू निकलती है, जो वर्तमान स्थिति में इलाके के निवासियों के लिए मुसीबत का सबब साबित हो रहा है। रहवासी इलाका होने से यहाँ सभी उम्र के लोग रहते हैं, जिसके चलते हर किसी को सांस संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के नागरिकों द्वारा मनपा स्वास्थ्य विभाग और परिसर के पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी वो इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे नागरिक और ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। आइए खुद नागरिकों से उनकी दास्ता सुनते हैं। मला तुमचं नाव सांगा आणि तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे इथे त्याबद्दल सांगा। माझं नाव ममता रामटेकर आहे। मी जस्ट हे नारायणपेठ प्रेमनगर कुंभारपुरामध्ये राहते। हा आमच्या घराच्या समोर प्लास्टिकचा कारखाना आहे। तिथे ना मास्क आणि अजून अवैध वस्तू राहते, त्या तिथे गलवल्या जातात, पण त्याचा आम्हाला दुर्गंध इतका येतो की आम्ही सहन नाही करू शकत। आम्हाला त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम होते आणि आमच्याकडे छोटे छोटे मुलं आहेत, त्यांचं काही सांगता येत नाही, तर आम्हाला याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम होत असतो नेहमी। लोकांना तर आता बिमारी सांगून तर नाही होणार आहे, कुणाला श्वास घ्यायचा। आता मला श्वास घ्यायला खूप प्रॉब्लेम होते, माझ्या डोकं दुखतं, गळ्यामध्ये असं खसखस होते। आता काय काय प्रॉब्लेम सांगणार आहे, आणि छोटी मुलं तर काही सांगू शकणार नाही ना त्यात मग, आणि कुठल्या वेळेस काय होईल हे काही सांगता येणार नाही आहे। आता मला आज बरं वाटत आहे आणि उद्या चालून दुसरं काही झाले। आम्ही कंप्लेंट गेलो होतो आमच्या महानगरपालिकेमध्ये वगैरे नाही गेलो, आमचे मेंबर आहेत ना त्यांच्याकडे सुद्धा गेलो आम्ही, पण अजूनपर्यंत काही झालेलं नाही आहे। पुलिस स्टेशन वगैरह सब झालं। मैं शाहू प्रेमनगर नारायणपेठ नागपुर यहाँ रहती हूँ। हमारे घर के सामने अवैध प्लास्टिक का कारखाना है, वहाँ से दुर्गंध आती है, कई बीमारियाँ हो सकती है बुजुर्ग छोटे बच्चों को, उसको बोलने जाते हैं तो वो गाली गलौज करता है, धमकियाँ देता है कि तुमसे जो होता तुम करते बैठो, लेकिन मैं अपना प्लास्टिक का कारखाना बंद नहीं करूँगा, ऐसी धमकियाँ देते हैं। हमने बहुत बार कंप्लेंट्स किए, पुलिस स्टेशन गए हैं, नगर सेवक के पास गए, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे आते हैं तो वो गायब हो जाता है, दो तीन दिन घर में रहता ही नहीं, कारखाना बंद हो जाता है, फिर उसको यानी पकड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से वो अपना और डेयरिंग बढ़ाते रहता है, कारखाना चालू ही रखता है। और पुलिस में कंप्लेंट करे तो एक दो बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, यानी अर्ज दिए हैं, अर्ज के ऊपर से कुछ हुआ नहीं अभी तक। वैसे ही उसका प्लास्टिक का, पहले प्लास्टिक जलाता था हम बोलते थे, अभी उसने कोरोना के मास्क लाए हैं और हॉस्पिटल के कुछ ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह जो भी है वो लाए हैं, उसे वो मिलाता है, यानी उसको ये करता है, मशीन से पिघलाता है, और वो जो उसकी दुर्गंध आती है उससे कितनी बीमारियां जंतु बाहर निकल आते हैं, और छोटे बच्चों को बहुत हानिकारक है वो, इस सब चीज़ें। हमको बस हमारे एरिया में कारखाना नहीं होना है, बाहर तुमको जहाँ भी रखना है वो कारखाना वो खोल सकते हैं। ठीक शाहू सर, यहाँ अवैध रूप से प्लास्टिक का कारखाना बहुत भारी मात्रा में चल रहा है, और यहाँ पे जो है दुर्गंध जो फैल रही है, ये वेस्टेड जो कोरोना के मास है वो यहाँ ला के जला रहे हैं। यहाँ पे हमको जो मास्क का जो पॉल्यूशन होता है वो गले में छाते में हो रहा है, उसके वजह से इनके पॉल्यूशन के वजह से मेरे घर में एक पेशेंट पड़ा है जिसको को कैंसर हो चुका है, एक छाती का कैंसर हो चुका है वो पेशेंट को। और ये कैसा ये कारखाना ये एरिया में तो होना चाहिए नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। ये तो इसका ये कितने सालों से चल रहा है, और सर ये तो बहुत जमाने से चल रहा है, यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं है, ये डराता धमकाता है लोगों को, लेडीज़ों को बोलता है तुमको जो करना है कर लो, मैं तो कारखाना बंद नहीं करूँगा। और हम नगर सेवक को बोलने जाए तो नगर सेवक भी डरते हैं, उनसे कोई काम नहीं करता, क्रिमिनल है करके। ये लोगों के ऐसे फसवाड़े में किसके भी कानून के जरिए में किसके भी नाम डालता है, ज़बरदस्ती किसके भी है। अगर भी अभी बीच में इन्होंने देखो ऐसी ज़बरदस्ती झाड़ लगा दिए, ये झाड़ लोगों के घर में जा रहा था उसको काटने का, तो लोगों की कंप्लेंट की है इन्होंने, इससे बहुत बीमारी हो रही है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, हम रह नहीं सकते सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक महीने के दो दो महीने के बच्चे हैं।
तो अगर इस पर अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे चल के क्या करेंगे, कुछ आंदोलन वगैरह करने का इच्छा है? अगर ये कारखाना बंद नहीं होता है आगे तो हम अपना आंदोलन कारपोरेशन में जाएंगे या वार्ड मेंबर के घर में जाके उपोषण बैठेंगे, ये हमारी तैयारी है आगे की। और वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे ऊपर तक जाके, बस ये हमारी इच्छा है कि यहाँ से कारखाना बंद हो जाए, हमारा एरिया स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा रहे। मुझे बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रह रहे हैं और क्या परेशानी यहाँ पर आपको है? मैं तो आई हूँ 40 साल हो गए मेरे को, 40 साल से यहाँ कारखाना खुला है, 40-50 साल होते हैं यहाँ कारखाना खुला है। इनके लिए बहुत सी लड़ाई हुई पर ये लोगों ने माना नहीं है, डकर के कई बार मैंने रिपोर्ट भी डाली वहाँ, ये अपना आबा पांडे है ना उसको भी बुलाई, कई बार पुलिस भी आ चुके हैं पर किसी ने कुछ नहीं किया। फक्त आप थोड़ा सा अपने तरफ से, सरकार तरफ से थोड़ा सा कृपा करिए का भाई ये कारखाना उठाई जाए, बस हमको ये हमको बहुत परेशानी। मैं तो मरते मरते बची रे भैया, बहुत सीरियस हो गई थी मैं तो, मेरे को तो बहुत दूर ले गए ये लोगों ने, इतनी परेशानी थी कि क्या बताऊँ मैं। आज मेरे शरीर में ना बिल्कुल ढीलापन हो गया है और ये बदबू और ये गले ना में ना खसखस सी ये हो रही है। बता आज थोड़ा बहुत तुम करो थोड़ा सा बस्ती में और हमारी बस्ती बचाइए थोड़ा सा, और ये कारखाना नहीं चाहिए। इन नागरिकों में से एक एक खुद कैंसर पीड़ित भी है। हमने बात की तब उन्होंने बताया कि कारखाने से निकलने वाले धुएं के कारण उन्हें इस गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ मास्क भी जलाए जाते हैं। रिहायशी इलाके में इस तरह का कारखाना रहना सरासर नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ है। हालांकि गौरतलब है कि नागरिकों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मनपा का स्वास्थ्य विभाग और इलाके के पार्षद चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।